ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आज के हिंदी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सभी आ गए हो ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रत्यय है, ठीक है? आप सभी को बताना है शिक्षा में प्रत्यय है, ठीक है? ऑप्शंस हैं आ, अ, आई, सभी। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ओके, वेरी गुड, फटाफट कमेंट में बताइए। हाँ, तो शिक्षा में प्रत्यय क्या लगा हुआ है बच्चों? वेरी गुड, अगर आप सभी का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है, ठीक है? तो शिक्षा में कौन सा प्रत्यय बच्चों? तो अप्रत्यय, ठीक है? वेरी गुड, सभी का वेरी गुड है, शिक्षा में अप्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है? ओके, चलिए आप सभी को बताना है कि, है ना, आप सभी को बताना है कि प्रत्यय कहाँ लगता है, फटाफट बताइए कमेंट में बताइए प्रत्यय लगता कहाँ है। अभी तो हम आंसर भी बता दिए आप लोग को, तो बताइए प्रत्यय कहाँ लगता है, ठीक है? ओके, तो प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों? तो ये शब्द के पीछे लगता है, ठीक है? ओके, शब्द के पीछे लगता है। ओके, हाँ, तो प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों? तो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है? ओके, प्रति प्लस ऐसे मिलकर बना हुआ है प्रत्यय, प्रति प्लस ऐसे, ठीक है? हाँ, तो प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के पीछे लगता है। ओके, वेरी गुड। ओके बच्चों, तो शिक्षा का मतलब क्या होता है बताइए तो? हाँ, तो शिक्षा का अर्थ, है ना, अर्थ पूछ रहे थे, ठीक है? तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना या फिर सिखाना, ठीक है? सीखना या तो सिखाना होता है, ठीक है? ओके ना? ओके, तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना या तो सिखाना। ओके, तो आप लोग बता दिए हैं इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? शिक्षा में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो वेरी गुड, है ना, अभी तुरंत बताए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट था, ठीक है ना? ओके, तो आप लोग उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग, है ना, उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों? तो शब्द के आगे लगता है, ठीक है? उपसर्ग आगे लगता है, याद रखना, उपसर्ग, है ना, ये आगे लगता है, और पो से प्रत्यय और पो से पीछे, ठीक है? ऐसे याद रखिएगा, प्रत्यय कहाँ लगता है? तो पीछे, शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग कहाँ लगता है? तो आगे, ठीक है? शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में क्या कर देता है? तो परिवर्तन कर देता है, ठीक है? ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। ओके, ठीक है, चलिए। ओके बच्चों, तो आप सभी को बताना है, चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है बच्चों, अपनी प्रशंसा करना वाक्य को ठीक अर्थ देने वाला मुहावरा निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके मुहावरा से पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। कह रहा है अपनी प्रशंसा करना, ठीक है, है ना, अपनी प्रशंसा करना वाक्य को ठीक अर्थ देने वाला मुहावरा
कौन सा है निम्नलिखित में, आप सभी को बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, सैखी बघारना, डिंग हाँकना, अपने मुंह मियाँ मिठू करना, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, एक मिनट, और क्या है, अपनी तारीफ के पुल बांधना। ठीक है, तो ऑप्शन से है सेखी बघारना, डिंग हाँकना, अपने मुंह मियाँ मिठू करना, अपनी तारीफ के पुल बांधना। ठीक है, तो आप सभी को ना मुहावरा, इसमें जो मुहावरा दिया गया है, अपनी प्रशंसा करना, ठीक है, अपनी प्रशंसा करना पूछ रहा है। इस मुहावरे का जो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक वाला अर्थ दे रहा है, ठीक है, अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि कौन सा निम्नलिखित अर्थ दे रहा है इसका। ठीक है, हाँ, तो वो वाला आपको मुहावरा चुनना है। ठीक है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित मुहावरा कौन सा हो जाएगा अपनी प्रशंसा करना का। हाँ, वेरी गुड, जल्दी से बताइए बच्चों। हाँ, वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी, तो देन आप सभी का राइट है। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग दे रहे हो तो देन आप सभी का राइट है, अपने मुंह मियाँ मिठू करना हो जाएगा। ठीक है, अपनी प्रशंसा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, अपनी प्रशंसा करना वाक्य को ठीक अर्थ देने वाला मुहावरा पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अपनी अपने मुंह मियाँ मिठू करना। ठीक है, अपने प्रशंसा खुद करना है ना। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अपने मुंह मियाँ मिठू करना। ओके, तो आप लोग के एग्ज़ाम में मुहावरा से भी मतलब एक तो क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग अच्छे से मुहावरा भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आप लोग के एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा रहता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना 2006 से 2022 तक का, तो आप लोग को बहुत बार मुहावरा मिलेगा, है ना। हर ईयर में एक दो क्वेश्चन आराम से मुहावरा से रहते हैं, और बहुत क्वेश्चन तो आप लोग जो जो कर चुके हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोग को पता चल गया होगा, है ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, फटाफट कमेंट में बताइए। हाँ, रिपीट भी होते हैं, है ना, तो आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको पता चले किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। हाँ, ओके, वेरी गुड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। ओके, ठीक है, चलिए, ओके बच्चों, तो बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है। ऑप्शंस है कर्मभूमि, रंगभूमि, पल्लव, गबन। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है, फटाफट बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। हाँ, यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है कि कौन जो है ना प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन नहीं है, फटाफट कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड बच्चों, सभी का राइट आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा रहे हो, तो देन आप सभी का राइट है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, पल्लव, पल्लव प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी की रचना कौन कौन सी हो गई, तो कर्मभूमि, रंगभूमि, है ना, गबन, और एक कौन सा होता है, गोदान भी होता है। ठीक है, ये सब प्रेमचंद्र जी की रचना है, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये सब प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए। और लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है, है ना, तो आप लोग नहीं पे टिक करोगे, ये सारे तो है ही, तो नहीं कौन सा है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखिए,
पल्लव है ना, ये पल्लव जो है प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी है ना। तो ये पल्लव किसका है रचना बताइए तो आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट। ओके वेरी गुड, तो ये किसकी रचना है बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना। ओके ओके वेरी गुड, और कौन कौन सी रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की? एक तो पल्लव हो गया, और कौन सा? हाँ आप लोग नोट कर लीजिए, गुंजन, गुंजन हो गया, और कौन कौन से बच्चों? एक मिनट। ओके तो पल्लव एक हो गया, और कौन से हो गया? गुंजन, अभी तुरंत बताए थे ना, गुंजन, स्वर्ण धूली, नोट करते हुए जाइए बच्चों, स्वर्ण धूली ठीक है, और ग्राम में हो जाएगा, स्वर्ण किरण भी हो जाएगा, हाँ स्वर्ण किरण नोट कीजिए ठीक है। ओके तो ये सारे रचने किन के हैं? तो ये सारे रचने सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है ठीक है, ये सारे रचने किसके हैं? पंत जी के हैं ठीक है। स्वर्ण किरण, गुंजन, स्वर्ण धूली, ग्राम्य है ना, और चिदंबरा भी है ठीक है। ओके चिदंबरा, ओके ये सब सारे रचने किसके हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के हैं, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, गुंजन, स्वर्ण धूली और ग्राम, ये सारे रचने किन के हैं बच्चों? हाँ तो सुमित्रा नंदन पंत जी के रचने, और कौन सा? पल्लव ठीक है। ओके बच्चों तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोग अच्छे से सारे लेखक के रचनाएँ अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है। ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। ओके बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कह रहा है कि एहसान ना मानने वाला एक शब्द का चयन करें ठीक है। आप लोग से पूछ रहा है एहसान ना मानने वाला एक शब्द का चयन करें ठीक है, आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस हैं कृधन्य, कृतज्ञ, नास्तिक, विश्वासघाती, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके तो एहसान ना मानने वालों के लिए एक शब्द हम लोग क्या यूज करेंगे? हाँ वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। वेरी गुड, हाँ अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए तो देन आप सभी का राइट है ना बच्चों, वेरी गुड, तो कृधन्य हो जाएगा, कृतन्य ठीक है, कृधन्य। ओके तो एहसान ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृधन्य। ओके वेरी गुड, और आप सभी को बताना है कृतज्ञ हम लोग किसे बोलेंगे? तो जो एहसान को मानता है ना, एहसान, एहसान मानने वाला है ना, मानने वाला, जो एहसान नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो एहसान को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं ठीक है। ओके चलिए अब लोग आप लोग नास्तिक का बताइए, नास्तिक हम लोग किसे बोलेंगे? हाँ जो, नोट कर लीजिए, जो आस्था पर विश्वास नहीं करते हैं ना, जो आस्था पर विश्वास नहीं रखता है, ओके नहीं रखता है, उसे हम लोग नास्तिक बोलेंगे ठीक है। जो आस्था पर विश्वास नहीं रखता है ना, जो ईश्वर को नहीं मानता है ना, जो आस्था पर विश्वास नहीं रखता ओके, उसे हम लोग नास्तिक बोलते ठीक है। हाँ जो कि ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नास्तिक। ओके बच्चों
ओके। और विश्वासघाती क्या हो जाएगा बताइए, विश्वासघाती। हाँ, तो जो विश्वासघात करता है ना उसे हम लोग विश्वासघाती बोलते हैं, जो विश्वासघात करता है, जो विश्वासघात करे है ना, जो विश्वासघात करे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, विश्वासघाती। जो विश्वासघात करे उसे क्या बोलेंगे, विश्वासघाती। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए बच्चों। ओके वेरी गुड, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है कि गृह आगत में कौन सा समास है। तो फटाफट बताना है कि गृह आगत में कौन सा समास है। ऑप्शन से है द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। ठीक है, तो बताना है गृह आगत में कौन सा समास है। ठीक है, फटाफट बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो पहले आप लोग बताइए समास के कितने भेद हैं। ठीक है, आप लोग बताना है समास के कितने भेद हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में। मैं कमेंट देख रही हूँ आप लोग का, समास के कितने भेद हैं फटाफट बताइए आप लोग। ओके वेरी गुड, हाँ तो आप लोग 6 बता रहे हो ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड है सभी को। तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे गृह आगत है ना, गृह आगत में कौन सा समास है। ऑप्शन से है द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो गृह आगत है ना, गृह आगत इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गृह को आने वाला। ठीक है ना, गृह को आने वाला। ठीक है, आप लोग को राइटिंग समझ में आ रही है ना। ओके, तो मैं जो बोल रही हूँ ना प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो गृह आगत, एक मिनट फिर से लिख देते हैं। ओके, तो गृह आगत का विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों, गृह को आने वाला है ना, आने वाला। तो इसमें क्या है, कौन सा समास लगा हुआ है बताइए आप लोग। द्वंद है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है ना कि कौन सा है तो आप लोग ऑप्शन से देखिए है ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा समास लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ द्वंद, बहुव्रीहि, द्विगु, ये सब समास हमने बहुत बार है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हो वीडियो पहले वाला तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियो अपलोडेड हैं और आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत बार हम बता चुके हैं द्वंद है ना, तो इसमें क्या होता है कि सॉरी तो द्वंद में क्या होता है बच्चों कि दोनों शब्द की प्रधानता होती है। ठीक है, हाँ, और बहुव्रीहि में क्या होता है कि कारक चिन्ह की विभक्ति लगी होती है, सॉरी तत्पुरुष में है ना, तत्पुरुष में कारक चिन्ह की विभक्ति लगी होती है, और बहुव्रीहि में क्या होता है किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है ना, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, और द्विगु में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, तो द्वंद में दोनों शब्द की पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप होता है ना, और बहुव्रीहि में किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, द्विगु में क्या होता है पहला पद संख्यावाची होता है। तो आप लोग जब विग्रह करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो द्विगु शब्द आराम से पहचान लोगे कि
अगर स्टार्टिंग में संख्यावाची लगा हुआ है तो दुगु है, ठीक है। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। तो ये सब हम बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, ठीक है। ओके, तो आप लोग को बताना है गृह आगत में कौन सा समास है। वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी तो देन आप सभी का राइट है, ठीक है। तो गृह आगत का क्या होता है? गृह को आने वाला है ना, तो गृह को आने वाला, तो इसमें कारक चिन्ह की विभक्ति है ना, तो ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे भी छाँट सकते हो। दुगु में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है, तो पहला पद संख्यावाची तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। बहुव्रीहि में किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे आप लोग द्वंद्व, तो दोनों पद की ओर, दोनों पद की प्रधानता होती है इसमें, है ना, दोनों शब्द की प्रधानता होती है इसमें, तो आप लोग देख सकते हो द्वंद्व भी नहीं होगा इसमें। तो अब बचा क्या? तत्पुरुष, तो हम लोग तत्पुरुष को आराम से टिक कर सकते हैं। तो गृह आगत गृह को आने वाला, ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। हाँ, द्वंद्व में क्या होता है? दोनों दोनों पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि में तीसरे किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है, और दुगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। हाँ, अगर आप लोग पेड कोर्स लिए हो तो आप लोग को तो और अच्छे से सारे चीज़ आ रहे होंगे, है ना। और आप लोग को मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, दुगु बहुव्रीहि और द्वंद्व दुगु और बहुव्रीहि, ये तीनों का आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, आपको दुगु का भी देना एग्जाम्पल और बहुव्रीहि का भी देना है और द्वंद्व का भी देना है, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। ओके, कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, तो हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस हैं लड़की, दिन, स्कूल, भारत, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं लड़की, दिन, स्कूल, भारत, ठीक है। तो बताइए कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। हाँ, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए तो आप लोग का राइट है, यहाँ पे सीधा आप लोग को दिख रहा है ना, लड़की, तो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है ना, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लड़का पुल्लिंग है, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। हाँ, और दीन, स्कूल और भारत, ये सब क्या है? तो पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं सत्कार, एकेक, परोपकार, मनोहर। आप सभी को बताना है विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, जल्दी से कमेंट में करिए। ओके, वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तो देन आप सभी का राइट है, ठीक है। मनोहर, मनोहर में विसर्ग संधि है, ठीक है, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मनह, मनह प्लस हर, मन मनोहर, ठीक है, मन प्लस
हर क्या हो जाएगा, मनोहर। तो विसर्ग संधि किस में है, मना में लगा हुआ है, ठीक है, मनोहर में है, ठीक है, मनोहर में विसर्ग संधि लगा हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मनोहर हो जाएगा, ठीक है। मना प्लस हर से मिलकर बना हुआ है मनोहर, और इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विसर्ग संधि लगा हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सत्कार है ना, सत्कार जो है ये सद सद प्लस कार से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जब इसका विग्रह कीजिएगा तो सद प्लस कार से मिलकर क्या बना हुआ है, सत्कार, ठीक है। तो इसमें कौन सा संधि है बताइए, हाँ तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। चलिए अब एक एक का बताइए, हाँ एक एक जो है एक प्लस एक से मिलकर बना हुआ है एक एक, एक प्लस एक से मिलकर क्या बना हुआ है, एक एक, ठीक है। इसमें कौन सा संधि है बच्चों, हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डबल ए की मात्रा है ना, तो इसमें वृद्धि संधि लगा हुआ है, ठीक है, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि पांच भेद होते हैं ना, तो उसी में से एक वृद्धि संधि होता है, तो एक एक में कौन सा संधि है, वृद्धि संधि, ठीक है। ओके, अब आप लोग बताइए परोपकार में कौन सा है, परोपकार में कौन सा संधि लगा हुआ है बच्चों, तो परोपकार पर प्लस उपकार से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, पर प्लस उपकार से मिलकर बना हुआ है। इसमें कौन सा संधि है, तो गुण संधि है इसमें, है ना, गुण संधि। हाँ दीर्घ संधि जो पांच भेद होते हैं ना, उसमें से ही गुण संधि एक है, तो गुण संधि में अगर ए ओ अर, ठीक है, ये ट्रिक है पहचानने का, तो यहाँ पे परोपकार ओ है ना, ठीक है, तो ये इसमें कौन सा संधि है, तो गुण संधि, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आँख का पर्यावाची नहीं है। आप सभी को बताना है कि आँख का पर्यावाची नहीं है। ऑप्शंस हैं नयन, लोचन, अक्षी, सची। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए। ओके वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए फटाफट, सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना, तो सभी को ही कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग भी हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, हम लोग गलत। ओके हाँ, तो अगर गलती भी हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, हम लोग गलती से ही तो सीखते हैं ना, और गलती तो सभी से होती है ना। ओके, अगर आप लोग को लग रहा है कि गलती हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग डालो, कमेंट करो, है ना, जो भी आ रहा है बस करते जाओ, हाँ रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ के पीछे अगर भागोगे तो बस भागते जाओ, है ना, रुकना नहीं है, बस हाँ धीरे धीरे अपने गोल्स को पाना है तो चलते तो रहना होगा, है ना, तो चलते रहना है बस। ओके हाँ, कोई बात नहीं, अगर गलती भी हो जा रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ आई होप सभी का राइट है, तो आँख का पर्यावाची नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं कौन सा नहीं है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी तो देन आप सभी का राइट है, ठीक है ना। ओके, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया बच्चों, ठीक है। ओके आप सभी का राइट था।
ओके, तो आँख का पर्यायवाची क्या हो गया? नयन हो गया, लोचन हो गया, अक्षी हो गया, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आँख के पर्यायवाची हैं। ओके, सची किसका पर्यायवाची है बताइए? हाँ, ये इंद्र की पत्नी का, ठीक है। इंद्र की पत्नी को हम लोग सची बोलते हैं। और इसका क्या क्या हो जाएगा? मधुवाणी है ना, एक मिनट, मधुवाणी हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों? इंद्राणी हो जाएगा। पोलोमी भी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। पोलोमी, ये सब किसका पर्यायवाची है? सची का है, और इंद्र की पत्नी है। ओके, तो इंद्राणी हो गया, मधुवाणी हो गया, पोलोमी हो गया, ये सब किसका पर्यायवाची है? सची का है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। ओके, वेरी गुड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यस, बता दीजिए कमेंट में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ओके, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, त्याग का विलोम होगा, ठीक है। तो आप सभी को बताना है त्याग का विलोम होगा। ऑप्शंस है ग्रहण, लेना, स्वीकारना, प्राप्ति। तो त्याग का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, वेरी गुड, तो त्याग का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए बच्चों, सभी को बताना है, सभी को जल्दी से, फास्ट 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 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड, तो आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए, तो देन आप सभी का राइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट है, ठीक है। तो त्याग का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रहण, है ना, ठीक है, वेरी गुड। लेना का क्या हो जाएगा? विलोम, देना। स्वीकारना का और स्वीकारना, प्राप्ति का अप्राप्ति, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध शब्द है, आप सभी को बताना है शुद्ध शब्द है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग के एग्जाम में विलोम से, पर्यायवाची से, संधि, समास, है ना, शुद्ध, अशुद्ध, सारे से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से हर एक टॉपिक अच्छे से कीजिएगा। संधि, समास, अलंकार, है ना, रस, ये सबसे एक दो क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग प्लीज़ प्रीवियस ईयर तो ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, प्रीवियस ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर जो कर रहे हैं तो वेरी गुड, अगर जो अभी तक नहीं किए हैं या फिर अभी से स्टार्ट भी नहीं किए हैं प्रीवियस ईयर करना, तो प्लीज़ आप लोग ना प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है, और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होते हैं, है ना। तो आप लोग प्रीवियस ईयर कर लो तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, और टोटल सब्जेक्ट का करना है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी कर लिए, है ना, सारी करने चाहिए कि मैथ्स, ओके, इंग्लिश, तो अच्छे से कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। शुद्ध शब्द आप लोग से पूछा है ना, तो बताइए इन चारों में कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शंस में क्या है? ऋषिकेश है, ये भी ऋषिकेश ही है, ये भी ऋषिकेश है, ये भी ऋषिकेश है। तो आपको बताने कि शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है ना, शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है शुद्ध भाषा में एकदम, है ना, जल्दी से बताइए बच्चों। ओके, वेरी गुड, तो हम लोग ऋषिकेश कैसे लिखते हैं? तो हम लोग ऋषिकेश कैसे लिखते हैं बताइए, तो
ऐसे ही तो राइट होता है ना ऋषिकेश। हाँ तो ऐसे कहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, ऋषिकेश। ओके वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग बता रहे थे ऑप्शन नंबर ए, तो देन आप सभी का राइट है, वेरी गुड। तो शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे ऋषिकेश का हम लोग? इस तरह से, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट है, वेरी गुड। तो लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, ठीक है, ऋषिकेश हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओके हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट है, वेरी गुड। तो ओके बच्चों, तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का क्लास आज का कैसा लगा, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ओके और आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए, ठीक है। हाँ ओके बच्चों, तो बाय बाय एंड टेक केयर।